हल को समझने से नहीं होता है, फिर पहले सवाल को समझिए, इसके बाद हल को समझिए। आप लोग सवाल पढ़े चाहे ना पढ़े, हल हो रहा है बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। सवाल क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है ना, दो संपूरक कोणों में छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है कौन, बड़ा कोण, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में, पहले मानना होगा ना, क्या करना होगा, माना दो संपूरक, माना दो संपूरक, माना दो संपूरक कोणों में, माना दो संपूरक कोणों में, इसमें दो ठो कोण है, एगो बड़ा कोण है एगो छोटा कोण है। तो बड़ा कोण को मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे, बड़ा कोण को क्या मानेंगे, एक्स। माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है, एक्स, एक्स है, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, तो छोटा कोण, छोटा कोण क्या होगा, वाई, वाई। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण को मानते हैं कि एक्स है, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और जब दोनों एक्स और वाई हो जाएगा तो जानिए रहे हैं कि बड़का में से छोटका को घटाने पर कितना डिग्री का है, 18 डिग्री, कितना डिग्री का है, 18 डिग्री। तो बड़का में से घटा दीजिए, बड़का क्या है एक्स, छोटका क्या है वाई, दोनों को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 18। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब कहता है कि दोनों के जो संपूरक मैंने समझते हैं 180 डिग्री, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना ना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब इसको हल कर दीजिए, आपको बड़ा कोण पता हो जाएगा और छोटा कोण पता हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको समीकरण थर्ड प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, दो समीकरण दिया हुआ, वो समीकरण क्या करेंगे, तीसरा अपने से ज्ञात करेंगे। ये कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल है तीसरा के ना। तो चलिए अब हल करते हैं हम लोग, समीकरण कौन से चलेंगे, फर्स्ट से सेकंड से, बोलिए, समीकरण एक से चलने पर ना, समीकरण एक से चलने पर। जब समीकरण एक से चलते हैं तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है ना, कितना डिग्री है 18, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18, इधर माइनस में वाई, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में वाई। जब इसको बैठाइएगा तो इसको हल कीजिएगा, इधर माइनस में वाई उधर जाएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गया, अब इसका मान कहाँ रखते हैं, याद है आप लोग के, कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में, फर्स्ट में क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट से चल के ही थर्ड लाए हैं, अगर थर्ड का मान फर्स्ट में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण किसका, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर। अब समीकरण दो देखिए तो क्या है, समीकरण दो को लिखते हैं ना, क्या है समीकरण दो, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हमको एक्स के जगह पर क्या रखना है, 18 प्लस वाई, इधर हम रख दे रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर करते हैं, दिख रहा है ना सबको, के चलिए ठीक है, अगर दिख रहा है तो बना देते हैं इसके आगे। देखिए अरे बाबू लोग, क्या है कि समीकरण दो में हमको मान रखना किसका, तीन का, तीन क्या है समीकरण, एक्स बराबर 18 प्लस वाई। तो रखिए यहां पर देखिए, आपको समीकरण दो लिखा हुआ है ना, तो एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 180। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, इसको हल कर देंगे। देखिए तो 18 प्लस वाई में वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 180। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 18 घटाइए कितना बचेगा, घटाइए 162 बचेगा, एक दाइन 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में से जाएगा 6, 162 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा 2। जब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा बताइएगा, तो 81 बार में, यानी कि y का जो मान ज्ञात होगा y बराबर 81। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान
y का मान समीकरण थर्ड में रखिए तो किसका मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। चलिए थोड़ा सा हम इसको और इधर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर से, अब उधर थोड़ा सा इसको और इधर घिस के कर देते हैं, ठीक है। अब हमको तीसरा पार्ट भी इधर बना दे रहे हैं। समीकरण जो थर्ड है वो क्या है, x बराबर 18 प्लस y, 18 और y का मान कितना आया है, 81 आया है। 81 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 99 होगा। x का मान कितना आया, एक्स का मान कितना आया 99, वाई का मान कितना आया 81 आ गया। अभी दोनों को जोड़ के देखिए तो आपको कितना पूर जाएगा 100 जो कहा था हो गया। अतः एक्स बराबर वाई बराबर बड़ा कोण छोटा कोण दोनों लिख देंगे, अतः बड़ा कोण क्या माने थे एक्स ना, बड़ा कोण एक्स बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है इसको बना लीजिए।